रविंद्र जी, यहीं से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 59-58 पर है, 0.25% की तेजी है। रविंद्र जी, खबरें ये भी निकल के सामने आई कि जो ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा रह सकता है। आपको क्या लगता है, अगर ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन ज़्यादा रहा तो क्या इसका इम्पैक्ट घरेलू लेवल पर भी देखने को मिल पाएगा, डोमेस्टिक लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंट में हुई थी और उस पे जो इंडिया का सोयाबीन प्रोडक्शन जो एस्टीमेट किया गया है वो 10 मिलियन टन के अराउंड एस्टीमेट किया गया है, कंपैरेटिव 8.9 मिलियन टन जो लास्ट ईयर हुआ था उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है ये प्रेशराइज्ड होंगे और डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इस लेवल को बीट नहीं करता है तो चांसेस है कि अपसाइड जरूर देखने को मिलेगी। जी,